नीचे करके रिकॉर्ड करके आते हैं वहाँ पे, जा सकते हैं ना? ओके, इट्स द नेक्स्ट डे। हम अभी एक कैफे में आके बैठे हैं जो कि बिल्कुल रिवर साइड है। अभी नाम ही रिवर साइड कैफे है इसका। आई फील लाइक तेरी मौत होने वाली है। मेरे को जेन्युइनली भाई बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। मेरे को लगा था मुंबई में जाके मेरी सुपर पावर्स खत्म हो गई है, मैं ठंड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। बट लुक एट मी, इतनी सी भी ठंड नहीं लग रही मेरे को। मैं नंगा होके इसमें कूद सकता हूँ ठंडे पानी के। दैट्स अ बिट एग्जैक्ट। प्रॉब्ली अगर तू अच्छा पैसा देगा मैं कूद जाऊंगा। भाई कितना साफ होगा यहाँ का पानी। आई फील लाइक ये तो गहरा भी नहीं लग रहा, लाइक प्रॉब्ली यहाँ यहाँ तक आएगा। बट ऐसा पानी है कि इसमें तू है ना बह के चला जाएगा और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करेगा कहीं और से। शर्म कर ले खुद के नॉर्थ इंडियन स्टेटस पर। और अभी तो हम स्नो वाली प्लेस में जा रहे हैं, तब तेरा क्या होगा? जीरो क्रॉस में भी हारने गए देखो। अभी तक तू यहाँ पर आके सिर्फ हारा है, तेरा व्हाइट वॉश हो रहा है। 1000 रुपीज की शर्त है। 1000 दे देगा? अच्छा ठीक है। तू चूतिया समझ रखा है क्या तूने मेरे को? तूने चूतिया समझ रखा है क्या मेरे को? ये क्या है? ओ कहाँ डालूंगा मैं, कहाँ डालूंगा मैं? और अबे लूड बैट, तीन बार हार गया ये। अबे पूरे गोटे नहीं थे फिर भी हार गया तू। मैं चांस दे रहा था एक। अच्छा चांस दे। ओके सो यहाँ से हम जा रहे हैं कोकसर जो सिसु के आसपास पड़ता है। वहाँ पर सब है, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, जिप लाइन, केबल कार, आई थिंक राफ्टिंग भी है वहाँ पे। इंडिया में मोस्टली स्कीइंग गुलमर्ग में होती है, एंड गुलमर्ग में तुम्हें इंस्ट्रक्टर चार्ज करेगा अराउंड 2 से 3 हजार पर डे। दैट्स ऑलरेडी वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो उससे भी चीप हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी कॉमन स्कीइंग डेस्टिनेशन। बेसिकली मैं तुम्हें एक नंबर देना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारा अकोमोडेशन, फूड, ट्रेवल एंड मे बी एक्टिविटीज सच एज स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग कवर हो जाए। ब्लैक में है कोई? साइज में होगा, साइज ना, ओवरसाइज क्या निकाल के ट्राई करना पड़ेगा। ओके, ओपीएम में होगा कोई? जी हां, प्योर ब्लैक मिलेगा। हाँ, ना प्योर ब्लैक नहीं मिलेगा। ये है तो इतने सारे है तो ना साइज होता है ना मेन। अब ये बड़ा है बहुत ज्यादा, इसमें तो आप डूब ही जाएंगे। हां तो मुझे डूबना है। हां एक बार दो तो भाई, आप ये काम ना करो। आप डूब जाओ, इससे थोड़ा छोटा है। वही मैं आपको समझा रही थी ना, आपको साइज देखना है कि कलर देखना है। कलर ये देखना है। हाँ बट ये ब्लू है ना ऊपर से। पूरा मिक्सअप चलेगा ब्लैक में कि पूरा ब्लैक ही होना चाहिए? वो भी नहीं चलेगा, उसमें येलो है जो ये चीज है ना, इसको ये भैया मनाली है, गोवा थोड़ी जा रहे हैं। ये पहनना जरूरी होता है क्या? अच्छा जूते कौन से लेने? हाई टॉप है क्या आपके पास? हाई टॉप, हाई टॉप, हाई टॉप, हाई टॉप जूते में हाई टॉप है ना, वो 11 नंबर आएगा फिर। इसके हजारों नखरों के बाद फाइनली हमको ड्रेस मिल गई। चल भाई, कितना गंदा कैमरा एंगल आया होगा। ये साइडवेज क्यों गई भैया? क्या मैंने कुछ टांगे वांगे फैला ली थी क्या? मुझे क्या है कोटा, बेस्ट ऑफ लक ब्रो। तेरा भी लेकिन टेढ़ा हो ही गया। मेरा तो हर चीज में इट बेंड्स। ये साइड में क्यों उड़ जाती है? साइड में उड़ेगी वो सिग्नल की वजह से। चलो अच्छा सिंगल
जितनी भी कश्मीर की मूवीज हो रही है उनकी शूटिंग यहाँ हो रही है। जी हाँ जी, जो ट्यूबलाइट है हाँ उसमें भी कश्मीर का बताया हुआ है। हाँ पर शूटिंग इधर हो रही है, वो भी सारा यहीं पे हुआ है और कश्मीर में असली शूटिंग हो रही है। अपेरेंटली जैसे ही इस टनल से निकलेंगे सिर्फ स्नो मिलेगी, जैसे ही इस टनल से निकलेंगे 2 इंच कम हो जाएगा। चालू कब हुआ था, इनॉग्रेट कब हुआ था? 2009 से काम शुरू हुआ था। और बना कब था? 9 साल लगा भैया बनने में। 9 साल, 1 साल पर किलोमीटर। वेलकम टू कोक सर। साउंड्स वेरी सस्पिशियस। आई फील लाइक यहाँ पे है स्नो बट ज्यादा आगे जाके मिलेगी। आज तक नहीं चलाई उन्होंने यार। GTA baby, GTA San Andreas. Cheat code क्या था वो जिससे उड़ती है ये गाड़ी? वही है क्या तुम्हें? भाई I didn't consider snow पे चलना कितना मुश्किल है। This is harder than track, bro. हम जहाँ से ski कर आएंगे वहाँ तक ऐसे ही जाना है। कार बस थोड़ा ऊपर तक ले आई, उसके बाद हमें खुद जाना है। तो ऊपर से आना है ठीक है? एक दो राउंड में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करना हाँ, ये करना वो हाँ, करना। फिर उसके बाद हम करें, उसके बाद खुद करेंगे। अगर दिक्कत होगा तो मेरे को मत बोलना ठीक है। पकड़ के खिलाना पड़ता भैया ऐसे हाँ। यहाँ देखो क्या एलगार्ड नहीं बन गया है क्या? ऊपर जाना है, ऊपर से जाना है फिर नीचे आना है। यहाँ पे हर कोई गिर रहा है। नॉट टू ब्रैग बट आई एम द ओनली वन प्रॉब्ली इन द इंटायरिटी ऑफ कोकसूर जो अपने पहले ट्राई में नहीं गिरा, अकेले जा रही है। गिरा गिरा This is the best view I have probably experienced in my life. वो भी गर्मा गर्म मैं ही खाता हूँ। आई फील बैड क्योंकि probably कुछ लोग इसको है ना 45 डिग्री टेम्परेचर से देख रहे हैं। इवन द खाना यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक ये साठ कुछ, इससे ज्यादा भाई हमको कसौल में मिल रहा था। यूजली ऑमलेट सैंडविच में बाहर ब्रेड होती है, अंदर ऑमलेट होता है, इसमें उल्टा है, इसमें बाहर ऑमलेट है अंदर ब्रेड है। सो गुड भाई, वो कहते हैं ना फूड एकदम मजेदार होगा इफ द शॉप हैज दीज चेयर्स, दैट स्टैंड्स करेक्टेड। एवरीथिंग रिमाइंड्स मी ऑफ हर ब्रो, आई एम अलोन, दैट्स व्हाई अब मैं दूसरी चीजों से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जेंडर्स की बात नहीं कर रहा, हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कभी तेरे को रोका? मैंने कभी वेदांत को रोका? तुम दोनों को रखा ही मैंने डाइवर्सिटी के लिए, LGBT को रिप्रेजेंटेशन के लिए रखा है। क्रिकेट खेल सकता था, अभी बिल्कुल पिच बना रखी है भाई। भाई रूम बढ़िया है, इट हैज ऑल द बेसिक्स। क्रिकेट का बैट इन्होंने रख रखा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर्स है। ये अमेरिकन्स हैं ना ब्रो, दे हैव फिगर्ड द सिस्टम आउट। इनको पता चल चुका है हम अमेरिका में रिमोट जॉब ले लेते हैं और आके इंडिया बैठ जाते हैं और यहाँ पे फिर वो आराम से रह रहे हैं। होटल का प्राइस पता है कितना था? 1200। हाँ वी आर इन ओल्ड मनाली। नो वंडर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स कनेडियन सब यहाँ पर आके बैठे हुए। आई एम टेलिंग यू ब्रो, दे मोस्ट लाइकली हैव अ रिमोट जॉब एंड वो यहाँ पर आके कर रहे हैं और फुल पैसा बचा रहे अपना।
Okay, so, अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है. वी आर नो लॉन्गर इन पार्वती वैली. हमारी कल सुबह ही फ्लाइट है, तो जब तक हम टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, व्हिच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर. आई मीन पार्वती वैली जितनी खूबसूरत है ना, उसकी सड़कें इतनी ही बेकार है. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम अ मुंबई पर्सन. लाइक आई फील लाइक देयर इज अ रीजन कसौल में इतनी सारी डिसअपीयरेंस होती रहती है. देयर इज अ वेरी क्रीपी आर्टिकल जो मैंने आज सुबह ही देखा, मैं नीचे लिंक कर दूंगा. आई थिंक उसका नाम है लाइफ एंड डेथ अमंग वैनिश्ड. सो मैं कोई बता रहा था अभी. सो उस बुक में लिटरली स्पेकुलेट कर रखा है कि ना यहाँ पे आई थिंक कसौल में कोई सीरियल किलर रहता है जो सिर्फ फॉरेनर्स को अटैक करता है. बिकॉज है ना, जो भी डिसअपियर हो रहते हैं ना, अर्ली 20s ट्रैवलर जो पासपोर्ट कैमराज वगैरह कैरी कर रहा है, बेसिकली यंग एडल्ट जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कैरी कर रहा है. आई डोंट नो भाई मैं कैसे बच गया. भाई सीरियल किलरों को भी ना मुल्लों से डर रखता है. वो सोचेगा हाँ चल ठीक है, इसको मार देते हैं, इसका कोई आके हमारा पूरा खानदान उड़ा देगा. Bro, come on now. ठीक है, नींद में हो रही है. भाई आराम से, आराम से. मैं देख रहा था कितनी चीजें डाल सकते हो तू उठेगा. तू किसी चीज से नहीं उठा, तू इससे उठा तकिए से. भाई पहले मुझे लगता था कि द रीजन व्हाई मुझे ठंड नहीं लग रही इज जस्ट बिकॉज आई एम वेरी वेल पैक्ड. बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड आई एम जस्ट बिल्ड डिफरेंट. लाइक अभी मैं एक वही पतली सी फुसलीस पहन रहा हूँ जो मैं मुंबई के 30 डिग्री टेम्परेचर में पहनता हूँ, और वही मैं 0 डिग्री टेम्परेचर में पहन रहा हूँ. तो जो लोग बोलते हैं ना हाँ मुंबई की गर्मी में कपड़े पहनता है, आई डू इट आउट ऑफ चॉइस बिकॉज मेरे को अपने नंगे फोरआर्म्स नहीं दिखाने. भाई है क्या मॉल रोड में करने को, बस चीजें मिलती हैं वही जो ओल्ड मनाली मिलती है, बस 4-5 गुना ज्यादा प्राइस पे. भाई हाउ आर यू स्टिल स्लीपी, मैंने तेरे ऊपर भरी हुई अटैची डाल दी, तू तब भी नहीं उठा. आई जस्ट नो यू आर अ बॉटम नाउ. तेरे पे तेरी लुगाई उठ जाएगी ना ट्रिपल एक्सल, तब भी नहीं उठे तू. तो जिनको नहीं पता शिमला मनाली मसूरी नैनीताल इन सब में मॉल रोड क्यों होती है, इट्स लिटरली जस्ट बिकॉज यहाँ पर मॉल नहीं बना सकते अनलेस तुम्हें लैंडस्लाइड वाला मल्टीप्लेक्स चाहिए. सो इसलिए ये पूरा मॉल सड़क पे बिछा देते हैं. सो इट्स बेसिकली यहाँ का सरोजनी नाव, एक्सेप्ट सरोजनी में चीजें सस्ती मिलती है, यहाँ पर प्रॉब्ली ओवर प्राइस मिलेगी. वो खाते हैं यहाँ का फेमस डिश है ना सीडू, हिमाचल वाले मेरी है ना वो एनली करेंगे अभी कॉमेंट सेक्शन में प्रोनाउंसिएशन के लिए. जिसके वन प्लेन कुकी एंड वन चॉकलेट कुकी. तो जाने से पहले मेरे को बोला था सवाली बेकरी जरूर ट्राई करना. सो वी हैव गॉट द सिग्नेचर कुकी, वन प्लेन वन चॉकलेट, आई थिंक 110 ईच का. बाय द वे मॉल रोड दैट वाज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, मुझे लगा ही था. या गोडा चाय का भाई, और इसमें होंगी 600-700. ब्रो दिस इज नॉट अ कुकी, दिस कुका भाई. जस्ट लुक एट दिस, दिस इज सो थिक, इट्स लाइक हाइड एंड सीक के पूरे पैकेट के ऊपर वो हैमर डाल दिया. प्लस ये इस कैफे तक आना ट्रैक है, काफी हाई है यहाँ से सब कुछ. भाई मैंने एक इनोसेंट सा पोस्ट डाला, उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं ब्रोज व्लॉग्स आर ऑन अ क्रेजी डिले, होपिंग वी गेट टू सी दिस व्लॉग बिफोर अगस्त. क्या नाम है इसका, द वैदिक जोशी का बिहाइंड साढ़े. अभी घर जाके स्पेशली तेरे लिए एडिट करूंगा साढ़े, तेरी क्रश का घर ढूंढ लूंगा, तेरी क्रश को मेरी क्रश बना लूंगा, तेरी पर्सनली अपने हाथों से खतना करूंगा तेरी क्रश के सामने. नो इट्स नॉट गे, मेरा खतना करने के टाइम खड़ा नहीं होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू यू मिस्टर जोशी. ये लास्ट मील है, ये लास्ट मील है वैदिक भाई. इसके बाद पक्का एडिट करने जा रहा हूँ मैं, इसके बाद पक्का एडिट करने जा रहा हूँ मैं. भूखा मुल्ला खाली पेट एडिट थोड़ी करेगा क्या. दिस इज एडिटिंग व्यू, दिस इज एडिटिंग. अपनी ड्रिंक भी दे, आज मेरा पेट प्रेगनेंसी मांग रहा है. ब्लॉग डाल दे मादर चो, ब्लॉग आएगा, मैं दिन रात वही तो कर रहा हूँ.
ओके वी आर फाइनली बैक. मैं भक्कर आ रहा हूँ बिकॉज गेट पर दो कुत्ते पड़ गए थे मेरे पीछे. भाई कुत्ते भी कम ही बोल रहा हूँ, भालू के साइज के थे. एक तो भाई मेरे कमरे के सामने सो रहा है, गेट पर डाका डाल दिया भाई उसने. सो डे वन हमारा फर्स्ट डे था अराउंड 3000 का. फूड हमारा टोटल था 2000. स्कूटी नाउ यूजुअली इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बट बिकॉज बारिश हो रही थी तो हमने ले ली, हमको पड़ी 700 की. डे टू हमारा ट्रांसपोर्ट था 3500 का. नाउ इसमें कसौल से मनाली से कोकसर अतल टनल से फिर वहां से बैक टू मनाली एंड मनाली में भी हमने जितना घूमा सब इंक्लूडेड एंड फूड हमको आज का पड़ा 3 जो मैं अभी खाकर आ रहा हूँ. टोटल दिन का था 2500. सो ऑल इन ऑल नॉट इंक्लूड flights हमको पड़ी 17,600 की. Now I'm not including flight because I feel like it's a novelty. Like कोई भी यहाँ पे flight से नहीं आता है. Flight जिसमें हम आए थे वो भी आधी खाली पड़ी थी. लोग mostly दिल्ली से कसौल overnight bus से आते हैं जो कि around 600-700 की है बस. So अगर तुम उससे आओगे ये पूरा trip तुम्हारा 6,000 to 7,000 per person में हो जाएगा. Which I think is cheap. Anyways subscribe international videos 300 के पे पक्का है. Now मैं हिम्मत करके अंदर जाऊँगा. I think so. Anyways, thank you for watching. I will see you in the next video. Bye.